बहुत ही क्यूट से हैं यार, ठीक है। और पकड़ने का एक अपना ही मजा आ रहा है कि मैं वीडियो में नहीं बता सकता कि कितना मजा आ रहा है। फुल इस तरह जेली की तरह है। बट क्या हुआ, एक हैमस्टर जो है को बिल्ली ने खा लिया भाई। ये है स्नेक, तकरीबन 4 फुट का है ये तकरीबन। सो गाइस, अभी का सीन ये है कि सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग निकलने लगे हैं हैमस्टर्स लेने। कल हम लोग निकले थे, हमने स्टे किया था नानोगढ़, ठीक है। अभी हम लोग लेने जा रहे हैं हैमस्टर्स जकी भाई की तरफ, तो उधर जाके आप लोगों से मिलते हैं। उनके पास कौन कौन से एनिमल्स हैं और काफी ज्यादा एनिमल्स हैं, उधर चलते हैं आप लोगों से मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हैमस्टर्स लेने के लिए। और अगर मैं आपको हैमस्टर दिखाऊं तो पूरा खानदान बैठा हुआ है इधर। अभी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बट हमने लेना है पेयर, 2 लेने हैं सिर्फ। तो जकी भाई से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? इन्होंने भी मंकी रखा हुआ, इसका नाम क्या रखा हुआ आपने? हनी रखा हुआ है। और इसकी एज क्या तकरीबन? इसकी होगी ऑलमोस्ट 7 मंथ। अभी हमारे वाला तो खैर बिल्कुल छोटा सा रहा है, ठीक है। इसकी शरारतें भी बड़ी हैं भाई। जकी भाई ने बहुत ज्यादा पेट्स रखे हुए हैं, स्नेक भी है। अभी मैं तो इसे हाथ लगा नहीं सकता क्योंकि मुझे डर लग रहा है, ठीक है। तकरीबन जो है 4-5 फुट लंबा स्नेक है। कि भाई इसको निकाल के दिखाइएगा, बाइट वाइट तो नहीं ना करता ये? ना बाइट आगे कोई हंगामा खड़ा कर दे। भाई ये है स्नेक, तकरीबन 4 फुट का है ये तकरीबन। 5 फुट का स्नेक है भाई। भाई दिल तो मेरा ही बड़ा करता है रखने को, बट ये है कि घर वाले नहीं मानते। बहुत ही खूबसूरत है। बाइट वाइट की है इसने आपको कभी? एक बार तो है, वो भी हल्की सी। अच्छा अच्छा भाई, हम लोग भी स्नेक लेंगे, बट ये है कि थोड़ा आगे जाके। अभी हम लोग लेने आए हैं हैमस्टर। जकी भाई हैमस्टर निकाल के दिखाइएगा, हमारे वाला कौन सा पेयर है भाई? इनके पास जो है काफी ज्यादा हैमस्टर्स पड़े हुए हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। वो किधर गए हैं छोटे छोटे वाले? भाई ये है मेल है और ये है छोटे छोटे क्यूट क्यूट से जो है बच्चे। इनकी एज क्या होगी वैसे? और ये है हमारे वाला मेल, इसके साथ अभी हम फीमेल लेंगे, वो हम लेके जाएंगे अपने घर। भाई स्नेक आप लोग चेक करो भाई, बहुत ही प्यारा। मेरा अपना दिल है लेके जाऊं, लेकिन घर वाले थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, बट हम लोग लेके जाएंगे नेक्स्ट टाइम। अभी हैमस्टर हम लोगों ने अपने पैक करवा लिए। अच्छा, इसमें इन्हें कुछ होगा तो नहीं? मतलब इजीली सर्वाइव कर लेंगे। तो अभी निकलते हैं अपने हैमस्टर्स लेके। और कबूतर भी रखे हुए हैं। ये कौन सी ब्रीड है? नॉर्मल है? इन्होंने बच्चे वगैरह नहीं दिए? उड़ाओगे वापस आ जाएगा या नहीं? अच्छा, वो वैसे काफी प्यारा लग रहा है, उड़ते हुए देख सकते हो। ज़्यादा दूर भी नहीं जाते है ना? करीब करीब ही भाई। हैमस्टर हम लोगों ने अपने ले लिए हैं और इसके अंदर हमने पैक किए हैं, बट कोई मसला नहीं होगा, उन्होंने कहा है। ओके जकी भाई, अल्लाह हाफिज़ यार। सो गाइस, फाइनली हम लोग जो है अपने हैमस्टर्स लेके पहुंच चुके हैं अपने घर पे। यार थक गया हूँ, हालत तुम लोग देख सकते हो बड़ी गंदी हो रही है। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम लोग पहुंचे हैं, बहुत दूर है एक लोहड़ के कोने से दूसरे लोहड़ के कोने तक। तो अब हम लोग खोलते हैं अपने हैमस्टर्स को। बेड के ऊपर मैंने इन्हें रख दिया। खुल जा भाई। हाँ भाई खुल जा। सो अभी खैर मेरा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है इन पे कि कैसा है, अगर इन्हें मोशन लग जाए तो क्या हो जाए, क्या सीखना, खाना कितना टाइम देना है। बट यह है कि आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस खुद ही हो जाएगा जब हम रखेंगे। तो यार इसे अभी हम खोलते हैं अंदर जो है, पूरी मस्तियाँ चाह रही हैं। फाइट हो रही थी अभी, एज जो उसने बताई थी और राउंड अबाउट इसकी बताई थी 5 से 6 महीने। अच्छा अच्छा भाई, स्टार्टिंग में तो पकड़ते हुए भी डर लग रहा था। बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो जेली डाइव होती है। और ये रे, बहुत ही क्यूट से खूबसूरत है। अच्छा भाई, भैया अभी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन्हें पालना कैसे, इन्हें खाना कितना टाइम देना है। और वो तो कह रहा था ये मेरे पास 4 महीने से इन्होंने पानी नहीं पिया। तो भाई ये पता नहीं क्या चीजें हैं, लेकिन खैर हम रखेंगे। भाई हैं कुछ यूनिक सी चीजें, फुल जेली टाइप में, इस तरह जैसे किसी ने चाबी पीछे लगा दी और भाग पड़ते हैं गोली की तरह। बहुत ही क्यूट से हैं यार, ठीक है। और पकड़ने का एक अपना ही मजा आ रहा है कि मैं वीडियो में नहीं बता सकता कि कितना मजा आ रहा है। फुल इस तरह जेली की तरह है, ऐसे नरम मुलायम से। भाई दोनों को इधर छोड़ देते हैं बेड पे, थोड़ी इधर घूम लेते हैं। और भाई असल में ये इनका केज है जिसमें हमने इन्हें रखना है, ठीक है। या तो इसमें रखेंगे या तो इसमें। एक में स्नेक आएगा, एक में आएंगे हमारे हैमस्टर्स। और ऊपर आपके भाई ने पूरा VIP मॉल बनाया, गद्दा डाल के मैंने उसे सुला दिए इधर। इसके अंदर रखेंगे हम लोग हैमस्टर, बट अभी नहीं। उसने बोला था कि सबसे पहले लेके आओ लकड़ी वाले से कोई तूड़ी टाइप, ठीक है। वो तूड़ी लेके आएंगे, बिछा देंगे, उसके अंदर जो है अपने हैमस्टर लग देंगे। वो इस तरह की कोई होगी लकड़ी वाले से जो है इजीली मिल जाएगी, फिर इन्हें रखते हैं अंदर। भाई मेरे साथ एक हो गया बैड सीन। ये है मेरा कमरा, हालत तुम लोग चेक करो। चलो ये तो मेरी गलती, ये चेक करो भाई। टिश्यू का पूरा डब्बा जग्गू ने जो है निकाल के बाहर फेंक दिया। और चेक करो, ओए होए 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 होए, क्या हालत कर दी है कमरे की। और भाई ये अब छुपा बैठा शैतान, बदमाशियां कर करके अब तू हंस रहा है अपनी बदमाशियों पे, हंस रहा है
भाई ये इसने बहुत बुरा हाल कर दिया, अभी ये सारा साफ करना पड़ेगा ठीक है। उसके बाद हम लोग लेके आते हैं इनके लिए लकड़ी वाले के पास जाके, उसे कहते हैं कि भैया हमें ये दे दो। सो नहा धो के हम लोग हो चुके हैं रेडी, अभी हम लोग जा रहे हैं हैम्स्टर्स के लिए, अभी हम लोग जा रहे हैं हैम्स्टर्स के लिए उनका लकड़ी का, अभी हम लोग जा रहे हैं हैम्स्टर्स के लिए लेने लकड़ी का बूढ़ा, किसी भी लकड़ी वाली दुकान से मिल जाएगा उसने तो बोला था। खैर चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। लेकिन उससे पहले तो यार नहाते हो कि मैं हो चुका हूँ रेडी, अभी हम लोग जा रहे हैं हैम्स्टर्स के लिए लेने लकड़ी का बूढ़ा। लेकिन उससे पहले अपने हैम्स्टर्स जो हैं हम लोगों ने बंद कर दिए हैं इस वाले केज के अंदर, भाई नज़र ही नहीं आ रही ये लोग किधर हैं। वो दोनों छुप के बैठी हैं उधर भाई, ये दोनों ये छुप के बैठी हैं क्योंकि बाहर किटन्स घूम रहे हैं उसके डर की वजह से। ओ ये किटन अंदर चला गया, बाहर आ जा बाहर आ जा भाई, वो डरते हैं वो कैट्स के डर से ना कोने में लग के बैठ गए और तुम लोग उन्हें डराई जा रहे हो। चलो निकलो इधर से भाई, जितने भी हैं ठीक है इन्हें हमने खोल दिया खुला, लेकिन इसके ऊपर जो है अभी एक लाइट लगने वाली है ताकि इनको जो है रोशनी मिलती रहे। अभी हम लोग इसके लिए लाएंगे बूढ़ा, तब ये लोग फुल चिल मोल हो जाएंगे। भाई आज हमारे घर बड़े ढेर सारे खाने बने हुए हैं, पूरी डिशें तैयार हुई हुई हैं। हाँ जी माँ जी खैर है? अच्छा जी दावत किया आपने अपने सहेलियों की है। भाई मैं तो कहता हूँ माँ जी की सहेलियाँ आती रहे, मेरी भी जरा मौजें शौजें लगी रहेंगी। ये माँ जी ने शेक शुक बनाया है स्ट्रॉबेरी का, वो कबाब शबाब पड़े हैं बिरयानी, भाई बड़ा मजेदार सीन हो रहा है। ऊपर से जो है कोको की आवाजें भी आ रही है, उसको भी भूख लगी है, खुशबू पहुंच गई होगी कोको तक। तो अभी करते हैं कोको का खाना गर्म ठीक है, उसको खाना देते हैं। जग्गू को भी कोई सेब सूप पकड़ा देते हैं। तो गाइस अभी एक बड़ा बैड सीन हो गया है, इधर से पिंजरा टूटा हुआ था, हमने तो अपनी तरफ से इधर कपड़ा दे दिया था, बट क्या हुआ एक हैमस्टर जो है उसको बिल्ली ने खा लिया, इधर से वो अंदर गई उसने एक खा लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हमने अभी इधर रख दिया और बिल्ली आई है उसने जो है वो खा लिया हुआ है। ये जो है फीमेल जो थी उसको खा लिया बिल्ली ने, किटन नहीं था वो कैट थी जिसने खाया। तो अभी जो है पीछे सिर्फ एक ही रह गया, इसको भी देखो फुल जो है डरा डरा है। वैसे जो है ये फुल एक्टिव होते हैं, कभी इधर दौड़े हैं कभी उधर, तो ये भी जो है फुल डर गया हुआ है। बट ये है कि अब हम इसको इधर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, लेकिन वो बहुत बुरा हुआ है, कैट ने उसे खा लिया। तो यार अभी जो है हैमस्टर मैं नीचे ले आया हूँ और माँ जी जो है डर रही है हैमस्टर पकड़ने से। पकड़े हैं तो सही, चूहा नहीं है ये, पकड़े हैं चूहा नहीं है ये, इतना प्यारा सा है क्यूट सा, और माँ जी जो है इसे पकड़ने से डर रही है। भाई हैम्स्टर है ये चूहा नहीं है। बट बड़ा दुख हुआ कि यार एक फीमेल जो है वो बिल्ली खा गई, बट ये कितना क्यूट सा है, फुल जेली की तरह है। माँ जी को विश्वास आ रहा है इससे, इसको रख देते हैं अभी इसके अंदर। अब इसको जो है हम दोबारा उस केज में नहीं रखेंगे ठीक है, बट इसका हम इंतजाम करेंगे। वो बाघ किधर रहा है भाई, देखे नीचे आके जो है फुल रिलैक्स हो गया, ऊपर जो है थोड़ा सा डर गया था कैट्स की वजह से, तो फुल जो है अपनी मस्ती में आ रहा है दोबारा। अभी जो है हम इसको इसके अंदर रख देते हैं, कल जो है हम इसके लिए कोई केज लेके आएंगे, इसको उसमें रखेंगे ताकि ये जो है सेफ रह सके। बाय बाय। ओह कोको को भूख लगी हुई है, कोको को भूख लगी हुई है, भाई जब इसे भूख लगी होती है कितना ज़्यादा प्ले कर रहा है, फुल जो है एक्टिव हो जाता है। हाँ भाई कोको चल, कोको फटाफट फिनिश कर दे, इतनी स्पीड से खा रहा है ठीक है, कोको की स्पीड बढ़ी है, 2 सेकंड के अंदर अपना खाना खत्म कर देता है। भाई आज कोको को थोड़ा सा लेट खाना मिला है, अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का, वैसे जो है कोको को खाना मिल जाता है 6 बजे, इसलिए जो है कोको को आज कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी, इसलिए हरप 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 करके कोको खाना खा रहा है। अभी उसका दोबारा सारा मुंह बंदा हो जाएगा, कल भी हमने इसे नहलाया। भाई ये कोको भी बड़ी गंदी बात है कि जब ये खाना खाता है या पानी पीता है ना, इसका मुंह फिर से गंदा हो जाता है। भाई जग्गू ने भी देख लिया कोको खाना मिल गया, मुझे नहीं मिला। हाँ भाई जग्गू सेब लेके आऊँ या केला, क्या खाएगा जग्गू? वे जग्गू का खाना आ गया जिसमें 2 बादाम 1 स्ट्रॉबेरी और खरबूजा है, ये ले भी जग्गू। ओ नहीं कोको तेरा नहीं है, कोको नहीं। हाँ भी जग्गू मजे का है, जग्गू जो है फुल मुग्गू की तरह। कोको क्या हो गया, अपना खाना खाया ना अभी, गंदे बच्चे। भाई ये बड़ा गंदा सीन है कि कोको जो है उसके खाने में मुंह मारता रहता है, वैसे खाता नहीं है क्योंकि कोको जो है अपना खाना खाता है, बस ये है कि उसे तंग जरूर करता है। क्यों जग्गू मजे मजे से जो है इंजॉय करके खा रहा है, गुड कोको। भाई हिमालयन को बंद कर देते हैं उसके कमरे में, चले जाओ चले जाओ। नहीं 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 भाई वापस वापस वापस। भाई सुबह दोबारा मेरे ख्याल से इनका कमरा धोना पड़ेगा क्योंकि आएगा उस गंदा हो जाता है। कोको को भी जो है उसके बेड में डाल देते हैं और इधर हम लोग करते हैं जी अपना व्लॉग एंड। व्लॉग अच्छा लगा लाइक करो, और आप लोग जिस तरह के व्लॉग देखना चाहते हो भाई कमेंट में लाजमी बताओ, आपका भाई आपके लिए लेके आएगा। सो अल्लाह हाफिज़।